बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के घुसपैठियों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे को आधार बना राज्य सरकार को घेरा है। बाबूलाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार घुसपैठियों को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रही, उन्हें संरक्षण भी दे रही है। देश में जो घुसपैठ है उसके बारे में राज्य सरकार से उन्होंने जवाब मांगा था कि राज्य सरकार का क्या कहना है। लेकिन आज जो अखबार में छपा राज्य सरकार की ओर से जो हलफनामा जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, उससे ये बिल्कुल अस्पष्ट प्रतीत होता है। उस हलफनामा को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार राज्य में जो बड़ी तादाद में घुसपैठ हुआ है और कहीं ना कहीं उन सारे लोगों को बचाने की वो कोशिश कर रही है। और उन सब के आप सबको ध्यान में होगा, झारखंड में पिछले दिनों राज्य के कई एक हिस्सों में दंगा भी हुए और उसमें से लाहौर दंगा का दंगा बिल्कुल प्रमुखता से आया, चूंकि रांची के बगल में भी है और पुलिस ने उसकी जांच की थी, तो सरकार की जो पदाधिकारी है उस वक्त अखबार में सार्वजनिक रूप से आया, उस दंगा के पीछे स्लीपर सेल का हाथ है। और पहले भी जो सरकार की एजेंसी है वो लोगों ने जांच करके रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है मेरी जानकारी में, कि झारखंड में भी बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या कि इस राज्य के अंदर में बड़ी संख्या में लोग घुस आए हैं और प्रदेश में आबादी का जो डेमोग्राफिक तो बदल ही रहे हैं लेकिन राज्य में अशांति भी पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य की मौजूदा स्थिति को खतरनाक बताते हुए कहा है कि आज राज्य के विभिन्न हिस्से में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। कहा राज्य सरकार के संरक्षण में घुसपैठियों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में संथाल परगना में सर्वे हो, घुसपैठियां चिन्हित हो, नहीं तो आने वाले दिनों में जो लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन होंगे उनमें आरक्षित जनजाति सीट खत्म हो जाएगी।